हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं केमिस्ट्री के पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा ना। तो जितने भी पहले फिजिक्स फिजिक्स के जितने भी वीडियो बनते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, उसके बाद मैं केमिस्ट्री कैसे लेके आऊँगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जो हम धूप का चश्मा लगाते हैं जो ब्लैक कलर का, कई बार अलग अलग कलर के आते हैं, तो उसका क्षमता कितनी होती है? उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। और याद रखना, किसी भी लेंस की जो क्षमता नापते हैं वो किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापा जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है, मतलब जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो कौन सा सिद्धांत है? वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। दोस्त तीसरा क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, वो क्यों दिखाई देता है? वो अपवर्तनांक के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे कैसे पैदा करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? ये प्रिज्म में से उस प्रकाश को गुजारते हैं, तो प्रिज्म में से गुजारने के प्रकाश बाद जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में डिवाइडेशन हो जाता है, तो प्रिज्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, मतलब साइज बड़ा वाला बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है ना, तो परावर्तित जो प्रकाश है उसकी जो एनर्जी है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो जब हम कांच में से किसी प्रकाश को पास करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है ना, तो कांच में से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, मतलब जो उसका तारे का जो कलर है उससे हम बता सकते हैं, वो किससे पता चलता है? उसके तापमान से, मतलब तापमान अलग अलग होगा तो तारे का रंग भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है, मतलब जो हमें जो अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित करते हैं। मीन्स क्या हुआ, जैसे कोई भी प्लेट है उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है ना, तो उससे जो रिफ्लेक्टिव प्रकाश आता है ना उसके कारण ही हमें उसका कलर दिखाई देता है, तो ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या है? अपवर्तन के कारण उसका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम CD बोलते हैं सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो एक इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। मतलब कहने का, जो CD होती है उसको हम प्रकाश के अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो कलर होता है वो 7 रंगों में दिखाई देता है इंद्रधनुष की तरह, वो किस कारण के दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है अपवर्तन विवर्तन पारगम्य की परिघटना के कारण दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? प्रतिपदा अमावस्या के दिन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरो की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है, तो उसकी असाधारण चमक का क्या है? ज्यादा चमकता क्यों है? तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाते, तो जो स्थिर चुंबक होगी वो हमेशा उत्तर से उत्तर और दक्षिण से दक्षिण को शो करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता पर क्या करता है? वो निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो वो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, मतलब जो अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के अंदर, तो दर्पण का साइज क्या होना चाहिए, जितना प्रतिबिंब है उसका आधा भाग दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए कहने का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 है डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। कैसे होगी, क्योंकि फोकस है उसका सूत्र क्या होता है, P=1/F होता है, क्या होता है, P=1/F। तो जब हम दो के अंदर 50 का हम भाग देते हैं, सॉरी दो के अंदर जब हम इसका, एक मिनट रुको, देखो तो मैंने क्या बताया था, P=1/F, तो जब हम एक के अंदर दो का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.50 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो रंगों को अलग करने का तरीका है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, वो हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित करते, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग उसको निश्चित किया जाता है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग अलग अलग रंग होता है प्रकाश का, ठीक है ना। तो सूर्य, अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, सूर्य किरणों में 7 रंग होते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, और प्रिज्म के द्वारा वो देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो किस रंग का दिखाई देगा, काले कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रंग होते हैं लाल नीला हरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, बैंगनी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश में लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा, तो वो होगा सफ़ेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना के तरह कार्य करता है, तो वो करता है फिल्म। अगला क्वेश्चन है, फिल्म के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तर लेंस उपयोग में लाया जाता है, कहने का अर्थ कैमरे के अंदर उत्तर लेंस होता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, तो कोरोनिया पर बनाती है। अगला क्वेश्चन है, आयरिस का क्या काम होता है, तो आयरिस का क्या काम होता है दोस्तों, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है या नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो दृष्टि पटल पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशी संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार ऋतु निकट दृष्टि दोष के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दो समतल दर्पण को 60 के कोण पर अनंत और के बीच खड़ा हो तो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो 5 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, अभी इसका पार्ट सेकंड आएगा, ये काफ़ी पेज है मेरे पास, है ना, मैं सारे वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।